यस क्लास 7। आज हम अपनी वसंत पुस्तक से पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए देखें इसका पहला प्रश्न इस पाठ का क्या है। बेटा आप लोगों ने कठिन शब्द अर्थ लिख लिए थे इसके? वो मैं ये स्टार्ट करिए लिखना, तो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। चलिए पहले कठिन शब्द अर्थ लिखिए। और खान पान की बदलती तस्वीर का उद्देश्य क्या है? खान पान की बदलती तस्वीर पाठ का उद्देश्य क्या है? बोलो जल्दी। अपने देश के हाँ, खान पीन के बारे में जानना, अपनी खान पान अपनी खान संस्कृति से परिचित होना। अपनी संस्कृति से परिचित होना। हेलो। हाँ, मैम। हाँ, बिल्कुल। अभी मैं ना आज लेना भूल गई थी। मैं 3 बजे भेज सकती हूँ इस घर से ना, व्हाट्सएप पर भेज नहीं कर कल तो भेज बोला था मैं घर जाके ना, मेरे यहाँ भी सारा व्हाइट वॉश हो रहा, पूरा घर मेरा उथल पुथल है एकदम से। अकाउंट नंबर में पूछ के यस मैम। अब मैंने ये नहीं कहा था आप लोगों को कि ये मुझे घर से वो बाहर से लाके दिखाना था, बस आपको घर से वाला कल बात हुई थी तो उसके लिए, क्योंकि इस पाठ में हमारे ये बोला गया था ना कि हमारे घरों में बनना बंद हो गया, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि इसी बहाने आप लोग एक बार उन चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी कल का चैप्टर फिनिश, अब क्वेश्चन आंसर पर हम आ जाते हैं। वर्ड मीनिंग आपका कंप्लीट हो गया। बदलाव का परिवर्तन, दुर्गति, बुरी स्थिति, जांचना, परीक्षण, परिचित, जाना बूझा, जटिल, कठिन, प्रक्रिया का मतलब है प्रकरण या क्रिया, वंचित यानी कि ठगा हुआ, बच जाना के जैसे वंचित होना, अचरज, हैरानी, अंकुरित, जो आप लोगों ने देखा होगा किसी दाल में अंकुर निकल आता है ना जब हम भिगो के उसको रखते हैं, तो उस तरह से अंकुरित होना। ठीक है, क्लियर। चलिए अब पहला क्वेश्चन आपका इस पाठ से संबंधित क्या है? ये आपके पास ऑलरेडी है मुझे लगता है, जहां तक मुझे मालूम है 7th B आपके पास ये वाली पेज है ना सबके पास, यस या नो? यस मैम, आपने यस मैम। पूरे तो मैम अब सारे चलिए चैप्टर्स इसका कहाँ पहले से क्वेश्चन भेजे का थे? आंसर है इसका। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर, इसीलिए मैंने कल आप लोगों से इस तरह के व्यंजन और ये सब कल मैंने बनवाया था। देखिए आपके पहले प्रश्न में ही बोल दिया कि अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करना है। अब जब कल जिन जिन बच्चों ने मुझे दिखाया था वो सब बच्चे इसका आसानी से आंसर दे पाएंगे। चलिए बोलिए इसका आंसर, रेज योर हैंड। कौन बता रहा है? वेदिका, अभिज्ञान तो बोलेगा नहीं, अकाव्य आप बोलो। ओके मैम, ओके खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का आशय मतलब अर्थ या मतलब ये है कि जहां देश विदेश के व्यंजन एक साथ परोसे जाए या खाए जाए, इससे विभिन्न व्यंजनों से संबंधित राज्य या देश की संस्कृति की हमें झलक मिलती है कि हर एक राज्य में देश में किस किस तरह की संस्कृति है, किस तरह का खान पीन है, उसके बारे में हमें पता चलता है। हमारे घर में मेरे दादाजी को उत्तर भारतीय खाना जैसे कि दाल, सब्जी, रोटी और पापा को दक्षिण भारतीय खाना जैसे सांबर, डोसा, रसम, इडली पसंद है। मम्मी दोनों तरह का खाना पसंद करती है ना। मम्मी को तो जब जो बनाना पड़ता है तो वो दाल चावल सब्जी रोटी भी खा लेती हैं और सांबर डोसा रसम भी खा लेती हैं। भाई जो बनाएगा वो तो सब चीजें पसंद करेगा, लेकिन लेकिन उन्हें गुजराती ढोकले ज्यादा पसंद है। मुझे और मेरी बहन को इडली भी पसंद है, तो पिज्जा चाउमिन और मैगी खाना भी अच्छा लगता है। इस प्रकार मेरे घर में सभी तरह के व्यंजन
खाए और बनाए जाते हैं। ऐसे अब देखा आप लोगों ने कि अपने घर का उदाहरण देना था, तो इसमें उनके घर में दादा है, पापा है, मम्मी है, भाई बहन है, तो उन्होंने सबके बारे में बताया कि दादाजी को क्या पसंद है, पापा को मेरे क्या पसंद है, मम्मी को मेरे क्या पसंद है, पर मम्मी सबके लिए बनाती है इसलिए उनको सब चीज खाना अच्छा लगता है, और हम जब दोनों छोटे भाई बहन है उनको हमें अपने घर का और साथ में हमें बाहर की ये चीजें भी खाना पसंद है, इसलिए हमारे घर में ये सारी चीजें बनाई और खाई जाती है। तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना होगा। क्लियर क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट है, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? बताओ, लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? जो बदलाव हुआ है खान पीन में उसकी वजह से लेखक क्यों चिंतित है? लविश गर्ग बताओ। ओके मैम, खान पान में बदलाव के अनेक फायदे हैं, जैसे स्थानीय व्यंजनों का प्रचार प्रसार बढ़ गया है। स्थानीय व्यंजनों जैसे डोसा इडली का स्वाद लेने अब दक्षिण भारत जाने की आवश्यकता नहीं रही। खाने की मेज पर व्यंजनों की विविधता बढ़ गई। कम समय में पकने वाले व्यंजनों की जानकारी तथा उपयोग बढ़ गया है। इसे राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई है। इन सभी फायदों के बाद भी लेखक इस बदलाव से चिंतित है, क्योंकि कुछ स्थानीय व्यंजन लुप्त होने के करीब है। युवा पीढ़ी विदेशी व्यंजनों के सामने स्थानीय व्यंजनों की महत्ता कमतर समझ रही है। स्थानीय व्यंजन तथा पकवान होटलों की वस्तु बनते जा रही है। नई पीढ़ी आधुनिकता के चक्कर में स्वास्थ्य का ध्यान रखे बिना विदेशी व्यंजनों को अपनाती जा रही है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। देखो इतना बड़ा आपने बोला, अगर आप इसको अपने शब्दों में ही आसानी से देते, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, तो खान पान के बदलाव में हमारे ये फायदे हैं कि हमें अपने एक स्थान पर ही विविध व्यंजन मिल जाता है खाने के लिए। हमें साउथ के डोसा इडली खाने के लिए हमें साउथ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, पंजाब का खाना खाने के लिए पंजाब जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, गुजरात का खाना खाने के लिए गुजरात जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और आजकल बाजार में जो है इंस्टेंट फूड तैयार भोजन भी मिल जाता है, तो इससे हमें हमारे जो घर के जल्दबाजी भागम भाग जिंदगी है उसमें भी हमें आसानी हो जाती है। लेकिन लेखक इन सब चीजों से इसलिए परेशान चिंतित है कि इतने सारे बदलाव होने की वजह से, खान पान में तरह तरह के व्यंजन शामिल हो जाने की वजह से लोग अपने क्षेत्र अपने स्थानीय व्यंजन को भूलते जा रहे हैं, है ना, इसलिए वो चिंतित है कि लोग अपने क्षेत्र का खाना अपने देश का खाना अपने जगह का खाना ना भूलें। अगर बाहर का खाना वो खाना पसंद करते हैं अपनाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अपने देश का खाना भी भूलना हमें नहीं चाहिए, तो इस बात को लेकर लेखक चिंतित है। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है, चलिए बताइए तन्वी। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? तन्वी गायब, नाम लेते ही तन्वी गायब। चलो वंश आप बताओ। ओके खान पान के संदर्भ में अर्थ है, जैसे बंगाली की मिठाइयाँ, उत्तर भारत की इडली डोसा, गुजरात का ढोकला, जैसे ये सब खान पान के मामले में स्थानीय। देखो बेटा, स्थानीयता यानी खान पान के संदर्भ में इसका अर्थ ये है कि ऐसा व्यंजन जो किसी एक क्षेत्र की पहचान हो, एक क्षेत्र की पहचान, ऐसा व्यंजन जो वो उसी वहीं पर ही मिलता है, वहां के नाम से वो फेमस है,
बंगाल के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर चावल खाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी चावल खाते हैं, है ना, पंजाब के लोग रोटी खाते हैं, है ना, मक्के का रोटी खाते हैं, और गुजरात के लोग क्या खाते हैं, ढोकला खाते हैं, साउथ के लोग क्या खाते हैं, इडली सांभर डोसा खाते हैं। तो किसी एक क्षेत्र की पहचान और स्थानीय रूप में खूब पसंद किया जाए, जैसे कि बंगाल में चावल या वहां पर वहां की मिठाई है रसगुल्ला, वो चीज बंगाल का एक स्पेशल है। उत्तर भारत में ज्यादातर जो फल एवं अनाज से बनाए जाने वाले व्यंजनों में क्षेत्र की विशेषता है कि ये व्यंजन अपने क्षेत्र की विशेषता ही नहीं बल्कि अपनी पहचान भी बताते हैं, है ना। व्यंजनों को स्थानीय व्यंजन माना जाता है, ऐसे ही व्यंजन को स्थानीय व्यंजन माना जाता है जो कि अपने क्षेत्र के बारे में अपनी पहचान बताते हैं। मैम, हाँ मैम, दिल्ली में क्या फेमस है? बोला था कल छोले कुलचे, गोलगप्पे तो कोई फेमस नहीं, हर जगह का ये डिश है। आपके जो एक खास खाना होता है बताया आपको, पंजाब के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, ज्यादातर रोटी पराठे चपाती पराठा, पंजाब में लोग पराठा भरवा पराठा आलू गोभी मक्के हर चीज का पराठा खाते हैं, है ना, और लस्सी ज्यादा से ज्यादा पीते हैं, मक्खन खाते हैं। और अगर आप राजस्थान में चले जाओगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, दाल बाटी चूरमा मिलेगा, वो वहां का चाहे बाकी सारे खाना वहां मिलता है, ऐसा नहीं कि खाली एक ही डिश मिलता है, बट वहां का वो फेमस है, राजस्थान के नाम पर दाल बाटी चूरमा के नाम से लोग उस राजस्थान को अच्छे से जानते हैं, है ना। तो इस तरह से उस क्षेत्र का फेमस खाना जिसके नाम से वहां पर की पहचान हो वो उसको कहते हैं स्थानीयता। अब आपके इस पाठ में सिर्फ तीन ही क्वेश्चन है, 1, 2 और 3, तो ये तीनों आप कॉपी में कर लेंगे, बाकी ये जो आपके चैप्टर से संबंधित पठित काव्यांश है, जैसे हम उत्तर भारत की आम चीजों को अब कहाँ तलाशते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों पर, पहले छोटी दुकानों पर भी आसानी से मिल जाते थे, अब हम बड़ी बड़ी दुकानों पर तलाशते हैं। लेखक के अनुसार कड़वा सच कौन सा है, लेखक के अनुसार कड़वा सच ये कि आधुनिकता के नाम पर हमने स्थानीय व्यंजनों को त्याग दिया है और बाहर की चीजों को अपना लिया है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए कई मामले में हमें नुकसान पहुंचाता है। खान पान की संस्कृति हमें किस तरह का अवसर देती है, खान पान की संस्कृति हमें चुनने का अवसर देती है लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा पाते, चुनने का अवसर देती है लेकिन हम क्या करते हैं, हम भेड़ चाल में चलते हैं, जो दूसरा कर रहा वही हम भी करते हैं, हम खुद से अपने आप से नहीं उस चीज को पसंद करके अपनी मर्जी से जीते हैं, हम दूसरों का देखा देखी काम करते हैं, ठीक है। ये आपके चैप्टर से संबंधित आपके 3 क्वेश्चंस हैं, इसको आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, वर्ड मीनिंग कर लीजिएगा, और अब आपने इस पाठ को पढ़कर क्या सीखा लास्ट में आप मुझे बताएंगे, ये आपका आंसर है, बताइए आपने इस पाठ को पढ़कर खान पान की बदलती तस्वीर पढ़कर आपने क्या सीखा, फास्ट जल्दी बताइए। मैम लोगों की खान पान का तरीका, और बताओ यानी मैम हमने ये सीखा कि जो हमारे देश में पहले खाना बनता था मैम हमें वो भी टेस्ट करना चाहिए, हमें अपने स्थानीय खान पान, हमें अपने स्थानीय व्यंजन को भूलना नहीं चाहिए, हमें अपने स्थानीय व्यंजन को खान पान, हाँ बोलो वंश, हमें इस पाठ से विविध प्रकार के व्यंजन व हमारे देश के मशहूर व्यंजनों का मशहूर व्यंजन बारे में पढ़ा, मशहूर व्यंजन आपने अपने स्थान के मशहूर व्यंजन के बारे में क्या पढ़ा, हर देश के मशहूर व्यंजन के बारे में पढ़ा आपने, है ना, और साथ में ये भी जानना सीखा कि हमें अपने स्थानीय व्यंजन को, अगर दूसरे संस्कृति दूसरे देश के व्यंजन को हम अपना रहे हैं तो हमें अपने देश के व्यंजन को भूलना नहीं चाहिए, अपने देश के